देश भर के किसानों के औजारों और मिट्टी इत्यादि से बनी सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में बनकर तैयार हो गई है। मूर्ति के निर्माण में लगभग 2000 करोड़ का खर्च आया है। प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के देश को आजाद करवाने और भारत की एकता और अखंडता के योगदान के लिए मोदी सरकार ने श्रद्धांजलि देने के मकसद से स्मारक का निर्माण करवाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसमें देश के किसानों की खेती में प्रयोग होने वाले औजारों का लोहा भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि किसान भी भावात्मक रूप से पटेल जी को श्रद्धांजलि दे सके। विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा 182 मीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की 2013 में गुजरात के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी, वो प्रतिमा का 31 अक्टूबर को लोकार्पण है। इस लोकार्पण का कार्यक्रम के बाद हम आज हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री श्री को आमंत्रित करने के लिए आए थे कि वो वहाँ पर आए और 182 मीटर विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से बनी है उनकी मुलाकात लें, उनका न्योता देने आए थे और शाम को हम माननीय गवर्नर साहब को मिलने वाले हैं। इस 182 मीटर की जो विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनेगी, उसके अंदर 70,000 टन सीमेंट, 18,500 टन स्टील, 6,000 टन स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया है और दूसरा ये विश्व का पर्यटकों लिए एक बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा। दूसरा वहाँ 500 प्रवासियों के रहने के लिए टेंट सिटी का भी हमने आयोजन किया है। उस नर्मदा रिवर के अंदर 230 हेक्टेयर के 17 किलोमीटर के एरिया के अंदर लंबे देश विदेश के फ्लावर वैली का भी हम निर्माण करने वाले हैं। हर स्टेट का वहाँ अतिथि भवन होगा और रोजाना 15,000 से ज़्यादा टूरिस्ट पूरे विश्व के अंदर से उस स्थान के अंदर आएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जुड़े इसी स्टैचू के जिनके अंदर देश के सभी राज्यों के डिस्ट्रिक्ट के गांवों के किसानों ने अपने खेती के लिए जो लोहा एकत्रित किया था, इस मूर्ति के अंदर उस लोहा का भी योगदान है। भावनात्मक के लिए देश का किसान भी इससे लिए जुड़ा है, हुआ है। हिमाचल को सर क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के 40,000 डॉक्यूमेंट्स और 2,000 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स और हम 100 जितने गाइड वहां पर तैयार करेंगे। वहीं गुजरात से लगातार दूसरे राज्य के लोगों के पलायन पर मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस कुछ लोगों को उकसा कर गुजरात का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, जिससे लोग गुजरात छोड़कर बाहर जाएं। ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिससे माहौल पर काबू पाया जा सके। हिमाचल के अंदर हम वहाँ 1500 चौरस मीटर जमीन देंगे, उस जमीन के अंदर वहाँ अतिथि भवन बनेगा। जब हिमाचल का भी कोई प्रवासी वहाँ आता है तो वहाँ सुविधा उनको उपलब्ध होने में सुविधा रहेगी। कांग्रेस के जरिए वहाँ लोगों को उसका के बहा के गुजरात से बाहर भाग जाएं, ऐसा आंदोलन शुरू किया था। हम लोगों ने सभी ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर SRP का ज़्यादा कंपनियां भेजी हैं, क्रॉस पेट्रोलिंग करवाए हैं, ऑफेंस रजिस्टर किए हैं और 50 से ज़्यादा ऑफेंस रजिस्टर करके 500 से ज़्यादा लोगों को हमने अरेस्ट किया है। जो लोग सोशल मीडिया में वायरल करके अफवाह फैला के जाति ये दंगा कराने का प्रयास कर रहे थे, उसको IT एक्ट के तहत हमने ऑफेंस रजिस्टर करके उन लोगों की भी धरपकड़ की है। हमने कहा है कि ये गुजरात का जो विकास हुआ है, उस गुजरात के विकास के अंदर देश के जिन भी राज्य से लोग आए हैं उनका काफ़ी योगदान है। आज
उस योगदान से वजह से ही गुजरात की काफ़ी प्रगति हुई है। ये सब गुजरात के अंदर दूध में शक्कर की तरह मिल गए हैं और राज्य प्रशासन के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम गुजरात के अंदर ऐसे कोई भी रोजगारी के लिए अन्य प्रांतों से आए हैं उनकी देखभाल करना, उनको सुरक्षा देना, वो हमारी जिम्मेदारी है और हम किसी भी हालत में ठीक तरह से करेंगे। साथ ही उनका कहना है कि गुजरात के विकास में सभी राज्य के लोगों का योगदान रहा है, लोगों के हितों की रक्षा करना सरकार का काम है और सरकार इसके लिए काम कर रही है।